सब्सक्राइब कीजिए मृणाल्स किचन एट चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तीन चौथाई कप चने की दाल ले ली है। इसे तीन से चार बार साफ पानी से धो के फिर मैंने चार घंटे के लिए इसे भिगो लिया था। देखिए भिगोने के बाद ये ऑलमोस्ट अभी डबल हो चुकी है। अभी इसे हम कुकर में पका लेंगे। जब तक दाल पकती है हम पकवान के लिए आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा ले लिया है। अब इस मैदे को मैं एक बाउल में ले लूँगी। इसी के साथ मैंने स्वादानुसार नमक मिला लिया है। अब इसमें एक चौथाई चम्मच कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स भी मिला लेंगे। सबसे पहले तो हम इन्हें सूखा ही मिक्स कर लेते हैं। दाल पकवान बनाने के लिए मैं जो जो सामग्री इस्तेमाल करूंगी उसकी डिटेल लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इस लिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इसमें दो चम्मच कुकिंग ऑयल मिला रही हूँ, आप अपना रेगुलर कुकिंग ऑयल इसमें मिला सकते हैं। अभी यहाँ हम तेल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके पानी मिला लेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने रेगुलर टेम्परेचर वाला ही पानी इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ हमारा डो अभी तैयार हो गया है। अभी ऐसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। दाल भी हमारी यहाँ परफेक्टली कुक हो गई है। चार घंटे हमने इसे भिगो लिया था, इसलिए मैंने कुकर में बस चार सीटी में ही इसे पका लिया है। दाल ऐसी इसमें दिखनी चाहिए, ना कि एकदम कुकर में गली हुई दाल यहाँ हमें इस्तेमाल करनी है। तो फिर चलिए अब दाल को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में यहाँ तीन चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। तेल जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें एक चौथाई चम्मच राई के दाने डालूंगी और इसी के साथ मैं एक चौथाई चम्मच जीरा भी मिला रही हूँ। दो हरी मिर्च जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है वो भी मैं तेल में मिला लूंगी। एक टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है वो भी अब मैं इसी के साथ मिला रही हूँ। अब हम इन्हें एक से दो मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब मैं यहाँ मिलाऊंगी एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और एक चौथाई चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अभी हम तेल में एक बार भून लेते हैं। इसी के साथ मैं इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर मिला रही हूँ। मैंने आधा आधा चम्मच करके दो बार इसमें धनिया पाउडर मिला लिया है और आधा चम्मच मैं गरम मसाला पाउडर का भी यहाँ इस्तेमाल करूँगी। इन सबको फिर हम एक बार भून लेते हैं। टमाटर भी ऑलमोस्ट यहाँ गल गए हैं और मसाला भी अच्छे से भुना जा चुका है। तो इसी समय हमने जो चने की दाल को उबाल के रखा था वो इस तेल में और सारे मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब इस दाल को भी हम एक से दो मिनट तक के लिए यहाँ पका लेते हैं। स्वादानुसार नमक भी हम इस समय दाल में मिला लेते हैं। दाल को धीमे गैस पे उबालते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। दाल भी रेडी हो गई है। तो इसी समय कुछ हरे धनिए के पत्ते जिन्हें मैंने धो के बारीक काट लिया है वो इस दाल में हम मिला लेंगे। दाल पकवान की दाल यहाँ अभी हमारी रेडी हो गई है। इसी समय मैं गैस का फ्लेम भी बंद कर दूंगी और गर्मा गर्म दाल को हम अभी सर्व कर लेंगे। तो चलिए अभी हम पकवान की भी तैयारी करते हैं। पकवान बनाने के लिए हमने जो आटा गूंथ के रखा था उसको हम लेके उसकी एक छोटी लोई बना लेंगे। लोई में थोड़ा सा आटा डस्ट करके घर में हम रेगुलर जैसे रोटी बनाते हैं उतनी ही हम यहाँ एक रोटी बना लेंगे। चाहे तो आप एक बड़ी सी रोटी बना के कुकी कटर की सहायता से आप उससे छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं या फिर घर में आप छोटी छोटी उसकी पूरियां बना लीजिए। मैंने यहाँ एक कटोरी ले ली है और कटोरी की सहायता से इसे मैं गोल शेप दे दूंगी। यहाँ मेरी पहली पूरी बेल की हो गई है। तलने के पहले मैं इसे फोक की सहायता से छेद कर लूंगी ताकि जब हम इसे तलेंगे तो ये फूलेगी नहीं। देखिए मैंने यहाँ तीन पकवान अभी बना के रख लिए हैं। अब हम इन्हें गरम तेल में तल लेंगे। पकवान को तलने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख लिया है। तेल गरम हुआ है कि नहीं हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें मैदे का एक छोटा टुकड़ा डाला तो वो अभी ऊपर आ गया है, इसका मतलब तेल अभी गरम हो गया है। तो अब हम इसमें एक एक करते हुए सारे पकवान तलने के लिए तेल में हम डाल देंगे।
तलते हुए हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे गोल्डन कलर का आते तक हमें तल लेना है। धीमी गैस पे तलते हुए हमें तलने में थोड़ा टाइम लगेगा पर पकवान एकदम क्रिस्पी बनेंगे। लो गैस पे तलते तलते हमारे दो पकवान भी अभी गोल्डन कलर के हो गए हैं, अच्छे क्रिस्पी बने हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और दाल के साथ गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। We'll be right back.